iPhone 13 mini in 2023. Let's talk about this. Guys, ये iPhone 13 mini जो कि Apple की तरफ से mini series का last iPhone है। इससे पहले Apple ने iPhone 12 mini निकाला था, फिर उसमें upgrade करके iPhone 13 mini निकाला। तो भाई क्या इस वाले फोन को 2023 में buy करना चाहिए कि नहीं, बात करेंगे इस वीडियो में इसी बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। So, hey guys, my name is Poet and welcome to my channel. और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और वीडियोस के लिए। तो भाई शुरुआत करते हैं इनके बिल्ड एंड डिजाइन से। भाई अगर इसके बिल्ड की बात करूं तो ये पूरा का पूरा एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बॉक्सी डिजाइन देखने को मिलता है, यानी कि फ्लैट एडजेस देखने को मिलती है, और ये पूरा का पूरा मैट टेक्सचर के साथ आता है जो कि बहुत ज्यादा कमाल का लुक देता है। इसके बैक साइड पे आपको ग्लास देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको ड्यूअल लेंस वाला कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है जो कि मैट टेक्सचर के साथ आता है। इसके फ्रंट में आपको सिरेमिक शील्ड वाला डिस्प्ले मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा टफर डिस्प्ले है। ओवरऑल इसका जो डिजाइन है ये भाई iPhone 13 या फिर iPhone 14 भी बोल सकते हो आप उसको, 14 के डिजाइन के एग्जैक्टली सेम है। बस यहाँ पे आपको डिफरेंस ये मिलेगा कि ये साइज में छोटा है एंड 13 एंड 14 साइज में बड़े मिलते हैं आपको। इसकी हाइट की बात करूं तो 5.18 इंचेस है, विड्थ की बात करूं तो 2.53 इंचेस है और कुल 141 ग्राम्स का इसका वेट है। साथ ही IP68 वाटर रेजिस्टेंट मिल जाता है, यानी कि इसको आप पानी के अंदर 6 मीटर तक डाल सकते हो फॉर 30 मिनट। यहाँ पे इस नॉच को काफी हद तक कम कर दिया गया है एज कम्पेयर टू अगर आप इसको कंपेयर करते हो 12 मिनी के नॉच से। iPhone 12 mini का नॉच काफी बड़ा लगता है इस छोटी से डिस्प्ले के अकॉर्डिंग, एंड वहीं iPhone 13 mini का जो नॉच है ये कंपैरेटिवली छोटा है, तो इस फोन में आपको ये इतना बॉदर नहीं करेगा जितना 12 mini में करता है। ऑल्सो 12 mini के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको बड़ा कैमरा मॉड्यूल में मिलता है, डायगोनल है यहाँ पे। अब अगर बात करूं इसके डिस्प्ले की तो इसमें आपको 5.4 इंचेस का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिल जाता है जो कि OLED पैनल के साथ आता है। इसमें आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिल जाता है, HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है। ऑल्सो अगर इसकी ब्राइटनेस की बात करूं तो भाई 800 nits की ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है ये, 1200 nits की मैक्सिमम ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है जब भी आप HDR कंटेंट देखते हो। तो 1080x2340 पिक्सल्स मिल जाते हैं इसमें, जिसकी पिक्सल डेंसिटी 476 PPI है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले की क्वालिटी मिल रही है काफी ज्यादा क्रिस्प है। और अगर बात करूं इसके डिस्प्ले क्वालिटी की तो भाई टॉप नॉच है, कलर्स आपको टॉप नॉच मिल जाते हैं, मूवी वगैरह देखने का एक्सपीरियंस भी इसमें बहुत कम माल का होता है। ऑल्सो क्योंकि यहाँ पे आपको 800 nits की ब्राइटनेस मिल रही है तो भाई ये डिस्प्ले आउटडोर में भी काफी बेहतरीन परफॉर्म करता है। प्रोटेक्शन की बात करूं तो सिरेमिक शील्ड वाला डिस्प्ले मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा टफर डिस्प्ले हो जाता है। बाकी आपको इस डिस्प्ले में एक माइनस पॉइंट मिल जाता है, वो है कि ये 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले, इसमें आपको कोई भी 120 हर्ट्ज का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बट यार इस चीज की कंप्लेंट मैं क्या ही करूं, iPhone 14 में भी आपको सेम डिस्प्ले मिल रहा है, वहां पे भी आपको 60 हर्ट्ज वाला मिल रहा है। ओवरऑल मैं बताऊं तो काफी स्मूथ सा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको इसमें भी, क्योंकि एप्पल का 60 हर्ट्ज काफी हद तक एंड्रॉइड के 90 हर्ट्ज को टक्कर देता है। तो चलो बात कर लेते हैं चिपसेट की। इसमें आपको A15 बायोनिक चिप मिल जाती है, एंड हां भाई ये वो सेम चिपसेट है जो कि आपको iPhone 14 में मिलता है। तो हां भाई आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो सेम iPhone 14 के जैसी है। इसमें आपको हेक्साकोर CPU मिल जाता है, 4-कोर GPU मिल जाता है, एंड यहीं पे एक छोटा सा डिफरेंस आता है कि iPhone 14 में आपको 5-कोर GPU मिलता है, इसमें आपको 4-कोर GPU मिलता है, एंड सेम आपको 16-कोर न्यूरल इंजन देखने को मिल जाता है। तो भाई मैं बोलूंगा कि दोनों में जो आपको परफॉर्मेंसेस मिलेंगी वो एक्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इन शॉर्ट मैं आपको ये भी बोल सकता हूं अगर आपको iPhone 14 की परफॉर्मेंस चाहिए एक छोटे डिवाइस में तो भाई iPhone 13 mini वो फोन हो जाता है। इसमें अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करते हो तो वो भी भाई बहुत कमाल की परफॉर्मेंस देता है। एंड सेम चीज मैं बोलूंगा गेमिंग में भी, जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी वो दी बेस्ट मिलने वाली है। अगर भाई iPhone 14 Pro से भी कंपेयर करते हैं तो वो भी लगभग सेम ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई दोनों में कोई इतना खास डिफरेंसेस नहीं है प्रोसेसर में। हाँ बाकी यहाँ पे आपको डिस्प्ले का एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, भाई डिस्प्ले साइज काफी छोटा है। बाकी अगर आपके हाथ छोटे हैं तो भाई इसमें गेमिंग आराम से कर सकते हो, परफॉर्मेंस के मामले में केपेबल है, लेकिन डिपेंड करता है कि इस छोटे से डिस्प्ले में आप गेमिंग कर सकते हो कि नहीं। इसके अलावा एक और चीज, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है तो इसमें आपको 90 हर्ट्ज का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, कि फोन में आपको खतरनाक पावर मिलने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो कि है इसकी बैटरी। एंड भाई इसमें आपको 2438 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 50% चार्ज हो जाती है 30 मिनट में। अगर iPhone 12 mini से कंपेयर करोगे तो भाई ये आपको अराउंड 1.5 घंटा ज्यादा बैटरी बैकअप देगा 12 mini के कंपैरिजन में। और अगर iPhone 12 से कंपेयर करते हो तो भाई लगभग iPhone 12 के जितना ही बैटरी बैकअप मिलेगा आपको इसमें, क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर है काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है इस वाले फोन के लिए, और जो बैटरी बैकअप को काफी अच्छे मार्जिन से इंप्रूव कर दिया गया है। अगर आप इसको एक पूरे दिन मॉडरेट यूज करना चाहते हो तो भाई आराम से कर सकते हो, ये अराउंड 7-8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देगा आपको, यानी कि आप अगर इसको लगातार भी यूज करते हो, लगातार आपका डिस्प्ले भी ऑन है तो भी आपको ये 7-8 घंटे का अच्छा खासा बैटरी बैकअप दे देगा आपको। और भाई अगर इसमें लगातार गेमिंग करते हो तो ये 4-4.5 घंटे के आसपास आपको बैटरी बैकअप दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितनी बैटरी हेल्थ है, कौन सा गेम खेल रहे हो, कौन सी सेटिंग में खेल रहे हो। ऑल्सो अगर पबजी वगैरह खेल रहे हो तो भाई आपके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसी है, वाईफाई में खेल रहे हो तो और ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा, तो ये सारी चीजें भी बैटरी को इफेक्ट करती है। ऑल्सो टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, तो इस वजह से बैटरी बैकअप जो है वो आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। बाकी मैं इसको एज अ सेकेंडरी
भी फोन यूज करता हूँ एंड मुझे ये दो दो दिन का बैटरी बैकअप दे देता है बिकॉज मैं इसमें ज्यादा यूज नहीं करता, सिर्फ व्हाट्सएप वगैरह यूज करता हूँ या फिर कॉलिंग वगैरह के लिए यूज कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। अब बात कर लेते हैं इसके कैमराज की, तो यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल के दो लेंसेज मिल जाते हैं, एक वाइड एंगल एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एंड दोनों की क्वालिटी बहुत ज्यादा कमाल की है। दोनों में ही आपको नाइट मोड के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं एंड ट्रस्ट में जो फोटो की क्वालिटी है वो टॉप नॉच है, 14 से भी कंपेयर करते हो तो भी लगभग सेम ही आपको देखने को मिलती है, इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ऑल्सो अगर वीडियोग्राफी की बात करूं तो भाई इसमें आप 4K 60 FPS पे HDR रिकॉर्ड कर सकते हो। इससे पहले iPhone 12 में आप 4K में 30 FPS तक कर सकते थे HDR में रिकॉर्ड, लेकिन यहाँ पे आप 60 FPS तक आप HDR में रिकॉर्ड कर सकते हो जो कि बहुत कम माल की बात हो जाती है। इसके अलावा आपको सिनेमैटिक मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। हाँ, थोड़े बहुत एडजस्ट में आपको इधर उधर देखने को मिल जाता है बिकॉज इसका जो एज डिटेक्शन है ये इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल सी लगती है ये वीडियो क्लिप। बाकी सिनेमैटिक मोड जो भी कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हैं भाई काफी अच्छा खासा फीचर हो जाता है ये। इसके अलावा आपको कमाल के नाइट मोड फोटोज मिल जाते हैं, फोटोग्राफिक स्टाइल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से इसमें फोटोज क्लिक कर सकते हो अलग अलग स्टाइल्स में, जो कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए काफी काम की चीज हो जाती है। इसके फ्रंट में भी आपको 12 मेगापिक्सल का लेंस देखने को मिल जाता है जो कि रिकॉर्ड कर सकता है 4K 60 FPS पे, जो कि अनदर एडवांटेज हो जाता है उन लोगों के लिए जो कि व्लॉगिंग करना चाहते हैं या फिर कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, तो काफी खतरनाक क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल की आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो गाइस ये इसका फ्रंट कैमरा जो भी शूट कर रहा है 4K 60 FPS पे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई किस लेवल का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। अब मैं स्विच कर रहा हूँ इसका बैक कैमरा, तो ये इसका बैक कैमरा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो भाई किस लेवल का आउटपुट आपको मिलेगा, एंड काफी क्रिस्प काफी क्लियर इसकी इमेज है एंड कलर एक्यूरेसी भी बहुत कमाल की मिलती है आईफोन्स में। अब मैं स्विच करने वाला हूँ इसका अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, तो देख सकते हो आपको किस लेवल की क्वालिटी मिलेगी। ये इसका अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो भाई किस लेवल का आउटपुट आपको मिलेगा। हाँ, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है एंड मैं अभी इंडोर में शूट कर रहा हूँ तो हो सकता है आपको हल्के से पिक्सल्स देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल अगर आउटडोर शूट करते हो ब्लॉगिंग करते हो बहुत कमाल के लेंसेज हो जाते हैं ये। इसके कैमरा को अगर आईफोन 14 के कैमरा से कंपेयर करूं तो भाई यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाता है जो कि है एक्शन मोड, यानी कि इसमें अगर दौड़ के भी वीडियो बनाते हो तब तो भी काफी ज्यादा स्मूथ वीडियो बन जाती है वो। एंड सेकंड चीज, इसमें आप सिनेमैटिक मोड 4K में रिकॉर्ड कर सकते हो जबकि इसमें आप 1080p में रिकॉर्ड कर सकते हो। सिर्फ इन दोनों के कैमरास में यही दो डिफरेंसेस है, इनके अलावा ये जो दोनों लेंसेज है ये एक्जैक्टली सेम है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कलर करेक्शन का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, कलर एक्यूरेसी ज्यादा देखने को मिल सकती है आईफोन 14 में, बाकी कोई इतना भी ऐसा ह्यूज डिफरेंस नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि लगभग आपको सेम ही कैमरा मिलेगा जो कि आईफोन 14 में मिल रहा है। तो चलो अब डिस्कस कर लेते हैं इनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स। भाई प्रोज की बात करूं तो एक्सीलेंट कैमरास देखने को मिल जाते हैं, A15 बायोनिक चिप मिल जाती है जो कि आईफोन 14 में मिलती है तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। OLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि बहुत कमाल का डिस्प्ले हो जाता है। इसी के साथ ये 5G देखने को मिलता है, यानी कि ये फ्यूचरिस्टिक भी बन जाता है। ऑल्सो ये सबसे एडवांस स्मॉल फोन हो जाता है, यानी कि अगर आप 5.4 इंच से इतने छोटे डिस्प्ले में कोई फोन देख रहे हो तो भाई इससे बेटर कोई भी दूसरा फोन नहीं मिलेगा आपको मार्केट में। ये सबसे ज्यादा बेटर फोन हो जाता है एंड सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी सबसे ज्यादा पावरफुल स्मॉलेस्ट फोन हो जाता है वर्ल्ड का। और अगर बात करूं इसके कॉन्स की तो भाई इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट देखने को मिलता है, वो है इसका 60Hz वाला डिस्प्ले, यानी कि इसमें 120Hz वाला डिस्प्ले नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ पे आप डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते बिकॉज अगर आप आईफोन 14 भी बाय करते हो तो उसमें भी आपको सेम 60Hz वाला डिस्प्ले मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगा आईफोन 13 मिनी में भाई कोई भी ऐसा मुझे माइनस पॉइंट नहीं दिखता है, काफी ज्यादा कमाल का फोन हो जाता है। तो भाई चलो अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको इसको 2023 में खरीदना चाहिए कि नहीं, यानी कि आज के वक्त में इसको खरीदना चाहिए कि नहीं। तो भाई इसका आंसर है नो। भाई अब आप लोग बोलोगे कि इतनी सारी तारीफ करने के बाद इतने सारे फीचर्स बताने के बाद आपको मना क्यों कर रहा है लेने को, तो भाई मैं आपको बता दूं अगर आप इसको नया खरीदने का सोच रहे हो तो भाई इसको नया बिल्कुल मत लेना, इंडिया से तो बिल्कुल मत लेना बिकॉज इसका जो करंट प्राइस आपको देखने को मिल रहा है अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे वो है 64,900 यानी कि 65,000 रुपीज। एंड भाई अगर इसकी जगह पे आप iPhone 13 सर्च करते हो तो iPhone 13 आपको अराउंड 60,000 रुपीज के आसपास मिल जाएगा, यानी कि iPhone 13 से भी ज्यादा महंगा मिल रहा है ये आज की डेट में आपको। तो भाई ये चीज मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, आप ऑफलाइन स्टोर्स में पता कर सकते हो, अंडर 60,000 आपको iPhone 13 नया मिल जाएगा। और हाँ, अगर अच्छे खासे प्राइस में iPhone 13 मिली मिल रहा है आपको तो फिर ले सकते हो, अगर ग्लोबल खरीद रहे हो अंडर 50,000 पड़ रहा है तो ले सकते हो, बाकी अगर भाई 50,000 से ऊपर खर्च कर रहे हो 50-55,000 के आसपास भी मिल रहा है तो भी मैं बोलूंगा हाँ ले सकते हो, लेकिन अभी जिस प्राइस पे अवेलेबल है ये बहुत ज्यादा है। और ये कॉमन सेंस की बात हो जाती है, भाई iPhone 13 मिनी आपको 65 का मिल रहा है एंड iPhone 13 60, तो भाई ऑब्वियसली iPhone 13 बेटर डील हो जाती है। वहां पे आपको बड़ा साइज मिल जाता है, इससे भी ज्यादा बिगर बैटरी लाइफ देखने को मिल जाता है एंड सेम एज इट इज एग्जैक्टली सेम फीचर्स आपको उसमें भी मिलेंगे, तो मैं बोलूंगा iPhone 13 की तरफ जाओ, 13 मिनी को स्किप कर दो। लेकिन अगर आप सेकंड हैंड ले रहे हो और काफी अच्छी प्राइस पे मिल रहा है ये 40,000 रुपीज के आसपास अगर
दे रहा है कोई, जो कि काफी मुश्किल है कि दे रहा हो, या फिर अगर आपको ये ग्लोबल मिल रहा है काफी अच्छी खासी प्राइस पे, तब इसको ले सकते हो इस रिव्यू के अकॉर्डिंग। बाकी फिलहाल के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि 65,000 में आपको इस वाले फोन की तरफ जाना चाहिए। अगर आपका इतना बजट है भाई 60,000 में 13 ले लो। और अभी रिपब्लिक डे सेल में भाई आईफोन 14 मिल रहा था 65,000 रुपीस का, तो भाई कहां लगे हो, स्किप करो इस वाले फोन को। और अगर मेरे दूसरे रिव्यू देखना चाहते हो तो भाई चैनल चेक कर लो, वहां पे काफी सारे अलग अलग फोन्स के, अलग अलग आईफोन्स के आपको रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे। और अगर कोई कंपैरिजन देखना चाहते हो तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और इस वाले वीडियो को लाइक कर दो अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है, और चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।